हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन तड़का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बनारस की बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस डिश टमाटर चाट। क्योंकि आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और जिससे बाहर का खाना पॉसिबल नहीं है इस समय, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आज हम खुद ही घर पे बनाते हैं बाहर की बहुत ही डिलीशियस डिश टमाटर चाट। यहाँ के लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं खाना, आई होप सो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपको चाहिए होगा पनीर, जिसे मैंने फ्राई कर लिया है पहले ही, आप भी फ्राई कर लीजिएगा। 7 से 8 बॉयल्ड आलू, जिसे आप स्मैश नहीं करेंगे लेकिन बस से हाथ से ही तोड़ लेंगे। 5 से 6 टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, वाइट सॉल्ट, हरी मिर्च, मीठी इमली की चटनी और मटर का छोला। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा मैं आपको बताना भूल गई थी, खड़ा जीरा का तड़का लगाया जाता है। जीरा डालने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, फिर डालेंगे इसमें नमक, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 1 बाउल पानी। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसे ढक देंगे और जब तक टमाटर पक नहीं आता हम इसे ऐसे ही ढके रहेंगे। टमाटर गल चुका है, अब उसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और फिर हम डालेंगे इसमें आलू। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मटर का छोला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर चार ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसकी गार्निश करना रह गया है। अब हमारा टमाटर चार रेडी हो गया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी। जीरा पाउडर, काला नमक, तला हुआ पनीर, सेवड़ा, और सेव। सो फ्रेंड्स, आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपके भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपके विश के अकॉर्डिंग कुछ बनाऊं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी पर चाहते हैं। ये वीडियो मैंने जो बनाया है, ये हमारे एक व्यूअर ने हमें विश किया था ये बनाने के लिए, इसकी रेसिपी के लिए। तो अगर आपके को भी कोई विश होगी तो आप हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।